म्यांमार की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान समूह 20 शिखर सम्मेलन में विश्व के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा के मुद्दे प्रमुख रूप से छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री ने क्वींसलैंड तकनीकी विश्वविद्यालय का दौरा किया, वहाँ उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कृषि रोबोटिक्स, कृषि कचरा प्रबंधन और जैव ईंधन में इसे बदलने के उपायों पर भी चर्चा हुई। बम्बई उच्च न्यायालय ने लोक सेवा और शैक्षिक संस्थानों में मराठों को 16% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। लोक सेवा में मुस्लिमों को 5% आरक्षण मुहैया कराने के फैसले पर भी रोक लगी, लेकिन शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय सुबह 11 बजे की जगह दोपहर 12 बजे किया गया। 24 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र से प्रभावी होगा यह निर्णय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में स्वच्छ अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री के साथ अस्पताल के कई अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सेदारी की। बाल दिवस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। भारत ने ओडिशा के परीक्षण रेंज से परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ शुरू। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान मेले की शुरुआत की। इस बार व्यापार मेले में देश विदेश की 6,500 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 125वीं जयंती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी समाधि शांति वन पर दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अक्टूबर के थोक महंगाई दर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और ये 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 1.77% पर आई। दिल्ली में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, DERC ने 7% बढ़ोतरी के फैसले को लिया वापस। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रोबोटिक यंत्र फिला के धूमकेतु पर उतरने के बाद देर रात जर्मनी के वैज्ञानिकों को पहला संकेत मिला। एजेंसी ने फिला की धूमकेतु की सतह से ली गई पहली तस्वीरें जारी की। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपने प्रमुख अल बगदादी का एक कथित ऑडियो टेप जारी किया। यह ऑडियो टेप ऐसे समय में जारी किया गया है जब अल बगदादी के अमेरिकी हवाई हमले में मारे जाने की अफवाहें जोरों पर हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस है। 14 नवंबर को हर साल लोगों में इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग मधुमेह से पीड़ित हैं।